सावन शिव भक्तों के लिए वो खास माह है जहां मंदिरों में भगवान शिव को पूजने वाले भक्तों की लंबी कतार लगने लगती है। अलग अलग राज्यों में भगवान शिव की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शंकर अपने भक्तों की थोड़ी सी भी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारे देश में भोलेनाथ के भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, धतूरा, आक, दूध, जल, शहद अर्पित करते हैं। लेकिन एक चीज है जो सभी शिवालयों में सामान्य है और वो है हल्दी। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सारी पृथ्वी पर जहां भी भोलेनाथ विराजते हैं वहां शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियोचित यानी स्त्रियों से संबंधित मानी जाती है, इसलिए भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग को भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक माना गया है और हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ग्रंथों की माने तो भगवान शिव के पूजन में हल्दी के अलावा और भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल करना वर्जित है, जैसे सिंदूर, तुलसी की पत्तियां और शंख का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। विशेष तौर पर भगवान शिव को सिंदूर इसलिए भी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि सिंदूर महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है और भगवान शिव बैरागी माने जाते हैं, इसलिए शिव जी की पूजा करते समय हमें इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए।